कि गांधी परिवार ने बार बार सिखां दे जख्मां ते नमक छिड़किया। सब तो वड्डी बेअदबी उन्होंने दरबार साहब ते हमले दी कीती, उहदे बाद हज़ारा सिख भैन भरां दा कतलेआम कराया, ते जिन्हें कराया जगदीश टाइटल वर्गे नूं हर बार पहले उन्होंने मिनिस्टर बनाया, एम पी बनाया, अज जिहड़ा इमीजिएटली उन्हूं कांग्रेस की कमेटी का मैंबर बनाया, परमानेंट मनवाइटी बनाया, आ सही मायने ते सिख पंथ के जख्मों से नमक छिड़कना है। मैं पंजाब की कांग्रेस को पूछना चाहना है, ये बारे की कहना चाहते हैं कि वो गांधी परिवार नाल है या वो पंजाबियों नाल है जिन्हों के हज़ारा के कतल इस टाइटलर ने किया। मैं वो ही कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है ऐसे फैसले लेती है जो पंजाब विरोधी और सिख विरोधी है। जगदीश टाइटलर जिसने हमारे हज़ारों सिख बहन भाइयों का कत्ल किया, उसको सज़ा दिलाने की बजाय कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया, एमपी बनाया, हर पोस्ट में रखा, और अब आज जब उन्होंने कांग्रेस की कमेटी का परमानेंट मेंबर बना दिया, ये तो बहुत माड़ी बात की है। और मैं पंजाब कांग्रेस को कंडेम करना चाहता हूँ जो चुप है, आवाज़ नहीं उठा रही अपनी कुर्सी बजाने के लिए। मैं चन्नी को पूछना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर, और नवजोत सिद्धू को, कि जो सबसे बड़े बेअदबी करने वाले को कांग्रेस ने अपना टॉप कमेटी का मेंबर बनाया है, वो चुप क्यों है।